पंजाब में आतंकवाद के दौर में हुई कई मुठभेड़ फर्जी थी। तरनतारन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह ने यह खुलासा किया है। उनका कहना है कि कई फर्जी मुठभेड़ में वो खुद भी शामिल थे। तरनतारन में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह ने मीडिया के सामने खुलासा किया है कि उसने आतंकवाद के दौर में 30 से 40 एनकाउंटर में शिरकत की थी, जिनमें कई फर्जी भी थे। सुरजीत ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में 23 एनकाउंटर्स की लिस्ट सौंपी है और जांच की मांग की है। सुरजीत का कहना है कि पहले माहौल माकूल नहीं था, इसलिए वो खामोश रहा। इतनी देर में अंडर प्रेशर, या अभी मेरे पे प्रेशर है तो इसलिए इतनी देर लगी। उस टाइम हालात बहुत खतरनाक थे, जो भी जबान खोलता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। जबान खोलते ही सुरजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। 1989 में वो पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था, लेकिन थोड़े वक्त बाद ही उसे मेहता चौक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बना दिया गया। सुरजीत कहता है कि आतंकवाद के दौर में नए पुलिस वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता था, लेकिन बाद में उसकी तनख्वाह घटाकर कांस्टेबल रैंक के बराबर कर दी गई। अब उसे अपने सीनियर अफसरों का डर सता रहा है। एसएसपी साहब ने भी किया, जो प्रेजेंट एसएसपी साहब है तरनतारन, बोले कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको दरिया ब्यास में रोड़े खत्म कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कि खालड़ा जसवंत सिंह खालड़ा है, जो उसके साथ क्या हुआ है? मैं कहा सर, मैं देखा नहीं है, सुना जरूर है, पर पहले भी मेरी ये धमकी आती रही है मेरे को। हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में सुरजीत सिंह ने गुरदर्शन सिंह उर्फ बघेल सिंह के एनकाउंटर का जिक्र किया है। बघेल सिंह के परिवार का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने टाटा नगर, जो अब झारखंड में है, वहां की कोर्ट में 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी भरकर उसे कस्टडी में लिया था, लेकिन बाद में उसकी लाश तक नहीं मिली। कि साडे नाल जो धक्का होया, इहदा पंजाब सरकार की फैसला कर दी आ, सानू पता ते लगे। सर, सीबीआई दी जांच चाहुंदे आ, कोई साफ चाहुंदे आ, उन्हां नू सजा मिले, कोई जांच कमीशन बने बहुत वड्डा, जिहड़ा एक नहीं, ये पूरा ही जो कुछ होया वा, जिन्ना तशद्दुद होया, जिन्ने लोगों के घर साफ हो गया, सारे वास्ते डिमांड करते सी कि सारे की इनक्वायरी होनी चाहिए कि की होया। वो सानू 2 लख दे देन, वो सानू 10 लख दे देन, वो 20 लख दे देन, लेकिन आ मूर्त सानू नहीं लभणगा। सानू 20 लखां की इत्थे लोड़ कोई नहीं। बघेल सिंह का बेटा हरदपिंदर उस वक्त महज 5 साल का था। हरदपिंदर अपने माथे से आतंकवादी का बेटा होने का दाग हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। खुद पुलिस मुलाजम ने अब ये कबूल कर लिया है कि ऐसा हुआ है। पहले हम लोग इसे सच समझते थे, पर हमारी बात पे कौन विश्वास करता। आज हमें उनकी बयान से हमें यकीन हो गया है कि यह सच है, कि गलत हुआ और गलत एनकाउंटर होकर कई नौजवानों को और कई घरों को उजाड़ा गया। सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह के खुलासे ने पंजाब पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं कि आतंकवाद के दौर में फर्जी एनकाउंटर के आरोप पुख्ता हैं। वहीं मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय के लिए नए सिरे से कोशिश का मौका मिल गया है। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिए दाखिल सुरजीत की याचिका को खारिज कर दिया है। वो अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अमृतसर से सुमित शर्मा के साथ चंडीगढ़ से आनंद पटेल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।